है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। एक मूवी रिलीज हो रही है धन एविज अखंडा, जो कि 1.5 साल पहले रिलीज हुई थी साउथ के अंदर, एंड आज उसको रिलीज किया जा रहा है इन हिंदी में। ठीक है, अखंडा रिलीज होगी हिंदी में, एंड सब इसको क्लेश के तौर पे देख रहे हैं पठान के साथ। काय क्लेश के तौर पे देख रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, हिंदी में कितना स्क्रीन मिलेगा इसको? कितना स्क्रीन मिलेगा हिंदी में इसको? कितना स्क्रीन दे दोगे? कितना दोगे स्क्रीन इसको? हाँ, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, कितना दिलाओगे? पॉलिटिक्स करोगे? हाँ करो, पॉलिटिक्स करो। एक काम करो, टैक्स फ्री कर दो। टैक्स फ्री क्यों करना है? मैं तो बोलता हूँ फ्री में दिखाओ ना यार, फ्री में दिखाओ। देखो एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो देखो मेरे पास जो सब्सक्राइबर है ना 21,000, 21 के, इसमें से आप समझ लो 17-18 हज़ार मुझे लगता है कि साउथ के ही फैंस होंगे। मुझे पता है, मुझे जो सपोर्ट मिला है साउथ के ऊपर से, के पुष्पा के ऊपर से, KGF पे से, आई नो। मेरे को यार भाई बहुत लोग मुझे बोलते भी, यार तुझे साउथ के सब्सक्राइबर है तेरे पास और तू तू बॉलीवुड को सपोर्ट करता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो बात साउथ और बॉलीवुड की नहीं है, 2021 और 2022 उस टाइम पे साउथ का क्रेज था, उस टाइम पे साउथ की बड़ी मूवीज आई, उस टाइम पे मैंने बॉलीवुड को भी गालियां दी थी, मैंने बॉलीवुड को रोस्ट भी किया हुआ है। क्यों? सलमान खान राधे हीरो मोस्ट वांटेड, भाई मैंने रोस्ट कर दिया। उसके बाद वो टाइगर श्रॉफ कभी हीरोपंती 2 लेके आ रहा है, हीरोपंती वो क्या बोलते हैं यार उसको, फिर वो लेके आया स्टूडेंट ऑफ डियर 2, हमने वहां पर भाग्य ट्री वहां पर उनको रोस्ट किया। हाँ, या फिर आप अक्षय कुमार की बात करो, 4-5 रिमेक्स का भंडार था वो, कंचना वंचना वगैरह। ठीक है, तो बॉलीवुड उस टाइम पे बकचोदी कर रहा था, तो उस टाइम पे हमने उसको रोस्ट भी किया, हमने उनकी चड्डी भी उतारी, सब कुछ किया वो एट दिस टाइम, एंड हमने साउथ का सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम पे साउथ डिजर्व करता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम बॉलीवुड की अच्छी चीजों को भी गालियां देंगे। इसका मतलब ये नहीं बनता कि हम शाहरुख खान को गालियां दें। इस भाई अगर हम अल्लू अर्जुन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं रॉकी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं साउथ की मूवीज को सपोर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बॉलीवुड की अच्छी मूवीज को भी हम गालियां देंगे। हम सलमान, शाहरुख, आमिर को हर बार गालियां ही देते रहेंगे। देखो अपना ये काम नहीं है कि बॉलीवुड को गालियां देके पैसा कमाना है, अपन बीजेपी के डल्ले नहीं है, सीधी बात भाई, सीधी बात और नो बकवास। एंड अभी साउथ क्या कर रहा है, अभी साउथ क्या कर रहा है, जो कि मुझे दिखेगा ना, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, अगर सच बात करोगे ना तो भाई देखो कम लोग होते हैं सच के साथ, बट भाई जितने भी होंगे ना मेरे को अच्छे लगते हैं। ठीक है, अभी साउथ की अखंडा मूवी आ रही है, ये लोग पठान के साथ क्रेश करवा रहे हैं। ठीक है, पठान के साथ ये लोगों ने क्या सोचा, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली वो जो अखंडा मूवी है ना, उसमें वो आप उसको सनातनी वगैरह देख सकते हो, जिसमें देखोगे जिसमें हिंदू धर्म का बहुत रिस्पेक्ट बताया, हमारे हिंदू कल्चर के ऊपर से या फिर इंडियन कल्चर के ऊपर से मूवी बनी है, जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो मूवी 1-1.5 साल पहले रिलीज हुई थी साउथ के अंदर, जिसका हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है, हालांकि वो अनऑफिशियल होगा, ऑफिशियल डबिंग अब आया है, तो आप 1-1.5 साल पुराना मूवी अभी क्यों रिलीज करा रहे हो? उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहली बात तो इन्होंने देखा कि बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है। ठीक है, तो बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है, तो ये जो हवा होती है ना, वो जो वेव होती है हवा बॉलीवुड बायकॉट की, तो उसका सपोर्ट इनको मिलेगा और लोग साउथ की मूवीज देखने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम बॉलीवुड का बायकॉट जोरों पर चल रहा है, क्योंकि किंग खान आ रहा है। दूसरी चीज पठान आ रही, अब पठान लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि वो मुसलमान का मूवी है, मुसलमान का नाम है, शाहरुख खान मुसलमान है, तो ये लोगों ने सोचा हमारे पास एक ऐसा मूवी है ना जिसमें पूरे का पूरा हिंदू 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 भर रखा है, तो मैं ना पठान के सामने एक ऐसा मूवी रिलीज कर देते जिसके अंदर है ना हिंदू धर्म एंड हिंदू कल्चर को दिखाया गया, एंड इस तरीके से जो 5-7-10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई देखो ये जो चीज़ कर रहे हो ना आप लोग, बहुत गलत कर रहे हो। अगर ये मूवी 7 रिलीज होती, ठीक है, अगर ये मूवी नई मूवी होती ना, जिसमें साउथ में भी 7 में रिलीज होती, अभी ठीक है हिंदी में भी 7 में रिलीज होती, चलो मान लेता हूँ जैसे कि वारिसु 14 अभी 11 पता नहीं 11 तारीख को आई थिंक आ रही है वो, जैसे कि वारिसु जो मूवी है अगर वो 25 को रिलीज होती ना, तो मैं थालापति विजय को फुल सपोर्ट करता, मैं हिंदी में फुल सपोर्ट करता था मैं, क्योंकि यार वो लोग डिजर्व करते, उनका गट्स दिखता है कि शाहरुख खान के सामने वो लेके आ रहे। ठीक है, उनका गट्स दिखता, उनका कितना दम है ना वो नजर आता, ये दम नहीं है कि चूतिया भाई, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बॉलीवुड के किंग खान के सामने, शाहरुख खान के सामने जस्ट स्क्रीन काटने के लिए, स्क्रीन खत्म करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप लोग बेकार में वहां पर कॉम्पिटिशन कर रहे हो, एंड ऐसा मूवी रिलीज कर रहे हो जो कि 1-1.5 साल पहले रिलीज हुआ था। भाई ये क्या चीज है? फिर एक दिन आएगा जब आप नवी न्यू मूवी लेके आओगे, फिर आप बोलोगे कि भाई बॉलीवुड हमको स्क्रीन नहीं देता, तो बॉलीवुड आपको स्क्रीन क्यों देगा? जब आप दूसरों का लॉस कराने में लगे हो, आप चाहते हो दूसरों का स्क्रीन कट करना है आपको, आप चाहते हो दूसरे का है ना लॉस करवाना है आपको, है ना बेकार में घुसना है आपको, बोलते ना उंगलियां करनी है बीच में घुस के आपको, तो फिर बाद में हिंदी ऑडियंस के अंदर जब बड़ी मूवी आएगी तब वो आपको स्क्रीन नहीं मिलेगा आपकी नई मूवी को, फिर अभी बकचोदी करता होगा कि भाई आप बॉलीवुड स्क्रीन नहीं देता, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, फिर क्यों देगा स्क्रीन? देखो अगर आप इस तरीके से करोगे ना सर,
तो फिर आपका रिस्पेक्ट इतना किया नहीं जाएगा और आपका रिस्पेक्ट डाउन होगा। ठीक है, यहां पर साफ दिख रहा है कि अखंडा क्यों रिलीज हो रही है, वो स्क्रीन काटने के लिए रिलीज कर रहे हैं। उनको दिख रहा है बॉलीवुड बायकॉट चल रहा है तो लोग साउथ को सपोर्ट कर लेंगे, उनको दिख रहा है वहां पर पूरा हिंदू मुस्लिम हो रखा है तो हम लोग एक ऐसी मूवी रिलीज कर देते हैं जो कि हिंदी हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी, कर दिया उसको रिलीज। या बकचोदी है यार, ये बकचोदी है। एंड मैं अभी भी बोल रहा कोई स्क्रीन नहीं मिलने वाला इसको। भाई मैं अक्षय कुमार की जब मूवी रिलीज होती है राम से तो वगैरह वगैरह, तब मैं आपको बोलता हूँ कि यार साउथ की मूवी को स्क्रीन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। वो तो भाई बहुत अच्छी मूवी निकल जाती तो स्क्रीन बढ़ना चालू होते, तो भाई ये तो शाहरुख खान ने मेरा घंटा स्क्रीन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड एक डेढ़ साल पहले रिलीज हुई मूवी अब रिलीज करके भाई ये क्या साबित करना चाहते हो आप लोग, क्या साबित करना चाहते हो। एनीवेज यार ये टोटली बकचोदी वाली चीज है। एंड ये दिख रहा है कि भाई क्या ये लोग क्यों रिलीज करा रहे हैं, सब दिख रहा है। बट डोंट वरी, देखो यार जो सच होता है ना, ठीक है, जो अच्छा एक एक्टर होता है एंड जो सपोर्ट शाहरुख खान को मिल रहा है वो सपोर्ट डेफिनेटली यार आउटस्टैंडिंग है। पठान का ये घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, एक स्क्रीन नहीं मिलेगा इनको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, एक स्क्रीन इसको नहीं मिलने वाला है। एंड पठान चलेगी छप्पड़ फाड़, कोई टेंशन नहीं है। एंड भले ही यार देखो मैं साउथ की मूवीज को सपोर्ट करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ को सपोर्ट करो। जो एक डेढ़ साल पुरानी मूवी उसको रिलीज करके आप क्या साबित करना चाहते हो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।